नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं नए प्रैक्टिस सेट की आज चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक हमने डिटरमिनेट किया है, निर्धारित किया है, वो आज का टॉपिक होगा हमारा एल्गी। एल्गी से उन प्रश्नों को हमने यहाँ लेकर रखा है जो 110% इम्पॉर्टेंट है या पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो एल्गी के उन्हीं प्रश्नों का हमने सिलेक्शन किया है कि आप एग्जाम हॉल में जाएँ तो बस यही एल्गी से जो अगर क्वेश्चन पूछते तो इन्हीं में से एक या दो क्वेश्चन आपको रखे उस पेपर में मिले, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरा, आप अपनी पढ़ाई में तेज़ी बनाए रखिएगा। लॉकडाउन की वजह से ऐसा ना करिएगा कि पढ़ाई मतलब अपनी कमज़ोर कर दें, क्योंकि होता क्या है कि जो TGT PGT की मेरिट जाती है वो 100+ ही होंगे तभी इंटरव्यू की कॉल आएगी, और जो TGT में चूंकि इंटरव्यू अगर नहीं है तो ये मान लीजिए 110+ जिसके होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, माइनस मार्किंग है नहीं। तो अपनी तैयारी को उस लेवल तक बना के रखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके अलावा रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आपको ढेर सारे नोट्स, बुक्स, PDFs की और हिंदी इंग्लिश में जो नोट चाहिए वो आप हमारी टेलीग्राम की मेंबरशिप ले सकते हैं 299 की, और ये डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी करनी है इस पे आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बकाया 299 रुपये का आप मेंबरशिप है, आप ले सकते हैं, जहां नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और आपको बुक, PDF इतने नोट्स हैं जो आप 10,000 रुपये लेकर भी उतने नोट्स परचेज नहीं कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो की चर्चा में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया नेम हैज बीन गिवन टू, ध्यान रखिएगा साइनोबैक्टीरिया जो नाम दिया जाता है वो किसके लिए, इन चार ऑप्शनों में किसके लिए दिया जाता है। हमारे एक मित्र कह रहे थे सर चारों में टिक मत किया करिए। एक्चुअली में टिक इसलिए करते हैं कि आपके दिमाग को हम इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो उनका चुनाव कर सके, सिलेक्शन कर सके कि मिलते जुलते अगर आंसर हैं तो उनमें किस प्रकार से वो सिलेक्ट कर सके, इसलिए टिक लगाते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है माइकोप्लाज्मा दिया गया है, मिक्सोमाइसिटिस दिया गया है, साइजोमाइसिटिस दिया और मिक्सोफाइसी दिया गया है। अब इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें से हम एक एक के बारे में बताते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होता है इसको हम जोकर मतलब जोकर कहते हैं, प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं। ये PGT में क्वेश्चन आ चुका है और GIC में आ चुका है माइकोप्लाज्मा से, क्योंकि माइकोप्लाज्मा टॉपिक नहीं लिया है तो यहाँ से क्वेश्चन बना था कि प्लांट किंगडम का जोकर किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। आज हमारे मित्र ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि माइकोप्लाज्मा की खोज और आयोग क्या मानता है। तो माइकोप्लाज्मा की खोज चूंकि जो बुक में दिया, अच्छी बुक में वो दिया है, पाश्चर ने की थी। किसने की थी? पाश्चर ने। परंतु आयोग जो मानता है वो मानता है नॉकआउट एंड रॉक्स को। किसको मानता है? नॉकआउट एंड रुक्स ने खोजा था, ये आयोग मानता है। तो आप जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यही आंसर लगाना है, नॉकआउट एंड रुक्स, क्योंकि आयोग जो मांगता है हम वही आंसर देंगे। हम अपने मन से ऐसा कोई आंसर नहीं देंगे, क्योंकि हमें वहाँ मार्क्स चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, बस इतनी सी बात है। वहाँ हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस बने। इसके अलावा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये क्वेश्चन बनता है माइकोप्लाज्मा से, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है मिक्सोफाइसी। साइनोबैक्टीरिया को जो ग्रुप में रखा गया है मिक्सोफाइसी में रखा गया, ये एल्गी है या ये शैवाल है। ये कैसे शैवाल हैं? तो ये प्रोकैरियोट शैवाल होते हैं, यानी केंद्रक विहीन शैवाल होते हैं, और ये बैक्टीरिया के समजात हैं, इसीलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। साइजोमाइसिटीज क्या है? ये बैक्टीरिया का ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। मिक्सोमाइसिटीज क्या है? मिक्सोमाइसिटीज में रखे गए हैं फंगस, और कौन से फंगस रखे गए हैं? वो कवक रखे गए हैं जिन पर शैवाल नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे? तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। इसमें से जितना हमने बताया उसमें से चार क्वेश्चन एग्जाम में फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जितना हमने डिस्क्रिप्शन दिया उसमें चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन के आधार पर आप नोट्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है पैरासाइट एल्गीज, ये TGT PGT LT GIC KVS NVS इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, खासकर ये GIC में पूछा गया, GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये चूंकि कॉमन क्वेश्चन है। पैरासाइट ऑफ एल्गी क्या है? तो सिफेल्यूरस होता है। कौन सा होता है? सिफेल्यूरस जो एल्गी होता है ये एल्गी पैरासाइट है। कैसा है? पैरासाइट। किस पर पाया जाता है? चाय की पत्तियों पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी, क्वेश्चन आता है रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी, रेस्ट रस्ट डिजीज ऑफ टी,
जो उसका लाल रस्ट रोग किसका होता है, चाय का, वो किसके द्वारा होता है, सिफाइलुस के द्वारा। सिफाइलुस एक पैरासिटिक एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलोथ्रिक्स स्पायरोगेरा क्लामाइडोमोनास की चर्चा हम आगे करेंगे। ये जो है ये तीनों क्लोरोफाइसी के सदस्य हैं, यानी एल्गी हैं और ये पैरासाइट एल्गी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी ज़्यादा ज़्यादा करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, आपको डिस्क्रिप्शन देने में, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, अपनी बात को लिखिएगा, शेयर लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रोमीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, ध्यान रखिए ये कन्फ्यूजन है। ब्रोमीन जो होता है वो किस सवाल से निकाला जाता है, तो यहाँ उसने क्या दिया हुआ, चार आपके वर्ग दे दिए हैं, चार क्लास उसने दे दिए हैं, कौन कौन से, रोडोफाइसी दिया है, मिक्सोफाइसी दिया, क्लोरोफाइसी और जेंथोफाइसी। इन चारों में से किस वर्ग के जंतुओं से निकाली जाती है जो ब्रोमीन है, तो ध्यान रखिएगा। हम आपको बता दें ब्रोमीन जो जनरली निकाली जाती है, ब्रोमीन जो जनरली निकाली जाती है वो ब्राउन एल्गी से निकाली जाती है, यानी फियोफाइसी से। अब यहाँ दोनों ऑप्शन है, फियोफाइसी से भी निकाली जाती है, पूरे क्वेश्चन हमारी बात को सुन के रखिएगा, ये मतलब ऐसा नहीं चल रहा है कि इस तरी क्लास आपकी चल रही है, ये हवा हवाई क्लासें नहीं चल रही हैं कि एक आप जैसे कि यूट्यूबर बोलते हैं ये वीडियो देखिए, ये 100 वीडियो देखिए और 100% यही क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, हवा हवाई हम चर्चा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो देखते हैं, रोडोफाइसी से भी मिलता है और ये मिलता है फियोफाइसी से, ध्यान रखिएगा। और एक पेन कॉपी ले लीजिएगा, हो सकता है आपके पास मैटर ना हो ये, और क्वेश्चन बना है चूंकि, तो ब्राउन सी वीट से प्राप्त होता है और लैमिनेरिया, एकोलेनिया और फ्यूकस, इसेनिया और एस्कोफिल्लम आदि से प्राप्त की जाती है ब्रोमीन। उसके अलावा रेड एल्गी से जो प्राप्त किया जाता है रोडोमेला, जो आपको रोडोमेला दिखाएगा वो नेट पे जब आप सर्च करेंगे तो रोडोमेला दिखेगा। और इसके अलावा भी हम आपको बता दें, अगर रोडोमेला ना दे, पॉलीसाइफोनिया और रोडोमीनिया आदि ब्रोमीन के सोर्स होते हैं, तो ऑप्शन इसका हम ए सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर ड्राइव्ड फ्रॉम, अगर अगर किससे प्राप्त किया था, तो पहले अगर अगर के बारे में जान लेते हैं। अगर अगर एक जिलेटिनस पदार्थ है, जो लोग रिसर्च या पीएचडी किए होंगे, जिलेटिनस पदार्थ है तो जो कल्चर मीडियम बनाया जाता है, कल्चर मीडियम वो आपने पीएचडी में अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो कल्चर मीडियम में वो चाहे बैक्टीरिया ग्रो कराना हो या फंगस को ग्रो कराना हो किसी को, तो उसको सॉलिड मीडियम बनाने के लिए हम अगर अगर डालते हैं, तो वो किससे प्राप्त होता है, तो ये शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शैवाल से। और किन शैवाल से प्राप्त होता है, तो इनका एक फार्मूला था जी क्यूब, क्या है, जी क्यूब, जी के नाम के तीन शैवाल हैं। और ये क्वेश्चन टीजीटी, यहाँ नाम चूंकि नहीं दिया है, नाम से क्वेश्चन बनता है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, इसके अलावा जीडीसी, इसके अलावा सिस्टम प्रोफेसर बॉटनी में क्वेश्चन बना है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिएगा जो पूर्व पेपर है, अगर अगर से एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ तीन है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जिगाटीमा, ये तीन नाम है, जी से नाम है, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया और जिगाटीमा, इन तीनों से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। बकाया तो आप इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है और हम चाह रहे हैं कि जो आपके काम का हो वही से डिस्क्रिप्शन दें। स्पायरोगेरा डिफर्स फ्रॉम मॉस प्रोटोनिमा इन हैविंग, स्पायरोगेरा जानते हैं एक एल्गी है, कौन सा एल्गी है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है जो इस तरह से पाया जाता है। इसकी खास बात कहते हैं, स्पायरोगेरा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल होता है, फीते के नुमा होता है और इनके अंदर पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार से मॉस के प्रोटोनिमा से, मॉस प्रोटोनिमा का मतलब फ्यूनेरिया के प्रोटोनिमा से अलग है, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं जबकि इसमें पायरिनोइड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है, नया क्वेश्चन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगेरा, अलैंगिक जनन स्पायरोगेरा में कैसे होता है, तो इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन है, हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है,
टेक प्लेस बाय द हिपाइनोस्पोर, हिपाइनोस्पोर के निर्माण के द्वारा। दूसरा है टेक प्लेस बाय द एप्लाइनोस्पोर फॉर्मेशन, एप्लाइनोस्पोर के निर्माण के द्वारा। टेक प्लेस ऑफ द जूस्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर के निर्माण के द्वारा। तो इसका आंसर हम लोग देंगे सी, एप्लाइनोस्पोर के। अब एप्लाइनोस्पोर और जूस्पोर में अंतर देख लीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है। जब जूस्पोर होते हैं वो हरदम मोटाइल्स होते हैं, और एप्लाइनोस्पोर जो संरचना होती है होती जूस्पोर की तरह है, मगर ये मोटाइल नहीं होती है। ये एप्लाइनोस्पोर बनते हैं और नीचे गिरते हैं और अंकुरित होते हैं और नए आपके किसका स्पाइरोगैटा का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन जो स्पाइरोगैटा में जनरली देखने को मिलता है वो हमें एप्लाइनोस्पोर के द्वारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज फाउंड इन, सबसे साधारण प्रकार का जो जनन है वो पौधों में पाया जाता है, किन पौधों में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स, चूंकि एल्गी ही चार दिए हैं, यूलोथ्रिक्स दिया है और नॉस्टॉक दिया है, स्पाइरोगायरा दिया है और क्लमाइडोमोनास। तो सबसे सिंपल प्रकार का जो देखने को मिलता है वो क्लमाइडोमोनास में। क्लमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर एल्गी है, और इसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसमें कपनुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बना है कपनुमा क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है किसमें, क्लमाइडोमोनास में, कपनुमा क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें सबसे सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। और एक ये भी पूछता है तीनों प्रकार की कंडीशन किसमें गैमेट का फ्यूजन पाया जाता है, यानी आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊ गैमस, तीनों प्रकार की कंडीशन जो होती हैं क्लमाइडोमोनास में पाई जाती हैं। यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, नॉस्टॉक क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है, क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप्ड पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बने आप कंठस्थ कर लीजिएगा या इनको रट लीजिएगा। हम आपसे बार बार कहते हैं कि हम जो आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल 110% इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट क्लियर। जितना हम आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ये 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे गए या बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज ए सोर्स ऑफ आयोडीन। उसने कहा इनमें से कौन सा शैवाल जो आयोडीन का सोर्स है। आयोडीन का सोर्स जनरली फियोफाइसी के सदस्य हैं। कौन से हैं, फियोफाइसी के सदस्य। अब यहाँ उसने लैमिनेरिया नाम दे दिया है तो इसी से प्राप्त होता है, लैमिनेरिया से। इसके अलावा हम आपको कुछ जानकारी दे दें, इनको केल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्प। तो कभी कभी लैमिनेरिया देता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन अगर घुमा देगा तो केल्प के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जानते हैं, केल्प। तो लैमिनेरिया ऑप्शन देते हैं, कभी कभी केल्प भी बोलते हैं। पॉलीसाइफोनिया क्या है, रेड एल्गी है, नॉस्टॉक प्रोकैरियोट्स है, डायटम जंतुफाइसी के सदस्य, बैसिलियोफाइसी के सदस्य। तो अभी इनकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने लगेंगे तो वीडियो लंबा होता है, क्वेश्चन कम होते हैं। फिर आप कमेंट्स करके बताइएगा कि और डिस्क्रिप्शन की आवश्यकता है क्या आपको, तो ऑप्शन इसका बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पाइरिनोइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ स्पाइरोगायरा। पाइरिनोइड्स जो स्पाइरोगायरा में पाए जाते हैं तो प्रायः किस अंग में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं यानी न्यूक्लियस, दूसरा दिया क्लोरोप्लास्ट में, या फिर दिया हुआ साइटोप्लाज्म में, या फिर सेलवाल में, किस में पाए जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था पाइरिनोइड जो पाए जाते हैं तो स्पाइरोगायरा का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के बीच में प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम पाइरिनोइड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग टू द, ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब होता है नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किस में पाए जाते हैं, किस ग्रुप में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था ये मिक्सोफाइसी के सदस्य होते हैं, इनको भी पहला क्वेश्चन हम डिस्कस किया था, मिक्सोफाइसी के सदस्य हैं, इनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट, प्रो मींस होता है प्रिमेटिव, कैरियोन मींस होता है केंद्रक, जिनका केंद्रक पुराना हो अर्थात केंद्रक ना हो, अर्थात इनमें केंद्रक नहीं होता है, तो इसका मतलब ये प्रोकैरियोट्स हैं। एल्गी का ये पहला जो ग्रुप है ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरिया के साथ भी अध्ययन हम लोग कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और यूकैरियोटा में जानते हैं, यूकैरियोट्स में हम सब आते हैं जिनमें केंद्रक पाए जाते हैं। मिक्सोमाइसिटिस तो हमने आपको बताया था ये फंगस का ग्रुप है जिसमें सेलवाल नहीं पाई जाती।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रेड एल्गी डिवॉइड ऑफ रेड पिगमेंट इज, इनमें से चार रेड एल्गी दी हुई हैं और ये तो फियोफाइसी है तो ब्राउन है, और इसमें से ग्रेसिलेरिया दिया हुआ, ये आपके तीन रेड एल्गी दिया है, इसमें कह रहा है वो कौन सा है जिसमें रेड पिगमेंट नहीं पाया जाता या लाल वर्णक नहीं पाया जाता, तो वो है बैट्रकोस्पर्मम। क्या है? बैट्रकोस्पर्मम। बैट्रकोस्पर्मम से पीजीटी और टीजीटी का पूर्व पेपर उठाकर देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन बनता है वो कौन सा रेड एल्गी, जनरली ये एक्वाटिक होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन वाटर में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। परंतु जो बैट्रकोस्पर्मम एक एल्गी है, ये एल्गी हमें कहाँ देखने को मिलता है? फ्रेश वाटर में, ध्यान रखिएगा। और जनरली सब में रेड पिगमेंट पाया जाता है मगर बैट्रकोस्पर्मम में रेड पिगमेंट नहीं पाया जाता। ग्रेसिलेरिया से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। पॉलीसाइफोनिया क्या है? पॉलीसाइफोनिया पॉलीसाइफनस एल्गी है, और लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है जो फियोफाइसी का सदस्य है। तो ऑप्शन इसका हम भी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन, यूलोथ्रिक्स किस में पाया जाता है, सॉरी यूलोथ्रिक्स में क्या पाया जाता है, वो क्वेश्चन कह रहा है यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन, तो यूलोथ्रिक्स फाउंड इन यूलोथ्रिक्स में क्या पाया जाता है, तो सॉरी यूलोथ्रिक्स इज फाउंड इन पूछ रहा है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। यूलोथ्रिक्स कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो कहाँ पाया जाता है? इज लगा है, तो हॉट सैंडी डिजर्ट में, स्लो रनिंग वाटर में, रॉकी प्लेस में, या सी में। तो ये स्लो रनिंग वाटर यानी धीरे धीरे बहने वाले जल में पाया जाता है। यूलोथ्रिक्स की खास बात क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं, यूलोथ्रिक्स में मेगा स्पोर भी पाया जाता है, स्पोर न्यूक्लियस वाला भी पाया जाता है, और स्लो रनिंग वाटर में पाया जाता है, इसमें होल्ड फास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? होल्ड फास्ट, नीचे जो संरचना दिखती है होल्ड फास्ट पाया जाता है, होल्ड फास्ट में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ये क्या होता है, चट्टान से चिपका रहता, पानी बहता रहता, तो उसी में ऐसे ऐसे बहता हुआ दिखाई देता है। फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन, फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? तो फ्यूकोजेंथिन क्या है? एक प्रकार का पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट या वर्णक है जिसके कारण जो एल्गी है उसका रंग ब्राउन होता है, तो हम लगा देंगे ब्राउन एल्गी। ये क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ELT और GIC और ELT उसमें TGT PGT में नॉर्मली कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फ्यूकोजेंथिन आप जो आपका बोल सकते हैं एग्जाम पेपर सब लोगों ने लेके रखा होगा, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि मतलब हवा हवाई बता रहे हैं और सर को बताना कुछ और चाहिए और सर बता कुछ और रहे हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन इससे जो 50-60% क्वेश्चन आए और 40% क्वेश्चन है वो नए, इसलिए भी हम आपको उपलब्ध कराते हैं जिससे भविष्य में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो 100% आपके सही हों। चूँकि अगर सब पुराने ही कराते रहेंगे तो चूँकि नए जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं लगभग 50% नए होते हैं, 50% पुराने होते हैं, तो एग्जामिनर नए क्वेश्चन भी बनाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और रेड एल्गी में अभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, और जिनकी शायद ज्वाइनिंग नहीं हुई है, रिजल्ट आ गया है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, उसने पूछा था कि एक जो क्वेश्चन पूछा था रिजर्व फूड मटेरियल से फ्लोरिडियन स्टार फाउंड इन रेड एल्गी, ये था आंसर उसका, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट एल्गी एल्गा रिच प्रोटीन इज, वो एल्गी इसमें चार में से, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर इसमें ज़्यादा इसमें जाता है, जो हमें ऑप्शन दिए उसी में सही करना है। तो जो उसमें से चारों में से वो एल्गी हमें या वो सवाल चुनना है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जा रही हो, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन फिर इस दृश्य से क्लोरेला में देखने को मिलता है। एक एग्जाम पूछता वो कौन सा एल्गी है जो एक्सपेरिमेंटल में यूज़ किया था, खासकर फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया गया, तो वो है क्लोरेला, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोट्राइकस हैबिट इज सो बाय, जो हेट्रोट्राइकस हैबिट है वो कौन सो करता है? तो इनमें से एस्टिकोलिनियम जो है, ये पीजीटी का क्वेश्चन है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी पूछा गया है। तो हेट्रोट्राइकस जो कंडीशन है, एस्टिजियो कोलोनियम जो है वो हेट्रोट्राइकस कंडीशन शो करता है, तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द एल्गी विच हेल्प द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बिलोंग टू द क्लास, कहता है वो शैवाल, यहाँ हिंदी आपको बता रहे हैं, वो शैवाल जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं वो किस वर्ग में रखे गए। तो पहले जान लेते हैं कौन कौन से हैं, नॉस्टॉक है, एना बीना है, ओलोसिरा है, तो ये जो एल्गी हैं, ग्लूट्रेकिया है, तो ये सब किस में भाग लेते हैं, तो ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। क्या है? प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स किस में रखे गए, तो अभी हमने आपको बताया था साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत, तो साइनोफाइसी या यहाँ मिक्सोफाइसी होता, आंसर सही करते। रोडोफाइसी में रेड एल्गी रखे गए हैं और क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी रखे गए, फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी रखे गए। द फूड रिजर्व इन ब्लू ग्रीन एल्गीज, जो ब्लू ग्रीन यानी जो हमारे प्रोकैरियोट्स एल्गी हैं या नील हरित शैवाल हैं, उनका जो स्टोरेज फूड, अभी हमने आपको बताया था कि स्टोरेज फूड मटेरियल से एक नया क्वेश्चन बनता है, तो वो है साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या है? साइनोफाइसियन स्टार्च। फैट्स एंड ऑयल्स जो अक्सर देखने को मिलता है वैसे लियोफाइसी में देखने को मिलता है, और फ्लोरिडियन जो स्टार्च है वो रोडोफाइसी, वो उसमें हाँ रोडोफाइसी में देखने को मिलता है, और उसमें और जो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च, सॉरी लैमिनेरिन और मैनीटॉल देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बने हैं इसलिए हमने, और अगर फैट्स देखिए, फैट्स जो देखने को मिलता है वो क्लोरोफाइसी में भी फैट्स देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, और जो ऑयल देखने को मिलता है वो बैसिलियोफाइसी में देखने को मिलता है। तो ये आपकी सारी जानकारी हमने क्लियर करा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फटाफट देखते हैं। ए मोटाइल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड, जो मतलब मोटाइल अवस्था होती है जो चल सकती है जिसमें फ्लैजला पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्यूस्पोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं फूड रिजर्व इज फैट ऑयल इन, तो वो किसमें फूड रिजर्व रहता है फैट एंड ऑयल के फॉर्म में, तो बताइएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर जो फैट है वो क्लोरोफाइटा में देखने को मिलता है, और इसके लिए हम आपको आंसर सही जो कर लेंगे वो कर लेंगे जेंथोफाइसी, ध्यान रखिएगा। ऑयल जेंथोफाइसिन पाया जाता है, बैसिलियोफाइसिन पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और कुछ जो आपके जो एल्गोलॉजिस्ट हैं वो क्लासिफिकेशन में जेंथोफाइसिन नहीं बनाया हुआ है, तो कुछ ने बनाया कुछ ने नहीं बनाया, तो इसलिए आपसे यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ द क्लमाइडोमोनास आर लोकेटेड इन, तो ये किस में पाए जाते हैं, थैलाकॉइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस द पाल्मेला स्टेज, वो कौन सा शैवाल है जिसमें पाल्मेला स्टेज पाई जाती है, तो वो है क्लमाइडोमोनास। ये चूंकि हम थोड़ा बिना देंगे, चूंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बने तो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। सेक्सुअल फ्यूजन इन स्पायरोगायरा इज, तो सेक्सुअल फ्यूजन स्पायरोगायरा का कैसा होता है, तो स्पायरोगायरा में जो सेक्सुअल फ्यूजन होता है वो फिजियोलॉजिकली इन एनाइसोगैमस होता है। नैनेंड्रियम ओडोगोनियम इज ए, तो ये आप लोग कमेंट्स करके आंसर बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या होगा, ये हमें आप कमेंट्स करके बताएंगे, होमवर्क है। इसी के साथ नमस्कार, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, इसके साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और लाइक शेयर जरूर करें।